हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सतीश, आपको स्वागत है क्रिकेट विद शत्रुघ्न चुबे चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं मुंबई वुमेन वर्सेस बंगाल वुमेन के बीच में होने वाला मैच के बारे में। तो दोस्तों, ये जो मैच है भारत के टाइम के अनुसार 8:30 बजे सवेरे कल को खेला जाएंगे और ये 5th T20 मैच है दोस्तों। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कौन सा विकेट कीपर, बैट्समैन, ऑलराउंडर और बॉलर इंपॉर्टेंट है, ये सारा इन्फॉर्मेशन बताऊंगा और यहाँ पर आपको मैं लाइव टीम बना के दिखाने वाला। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपको मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। टेलीग्राम का लिंक ऑलरेडी मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ। अगर बाई मिस्टेक लिंक ओपन नहीं होता है दोस्तों, तो टेलीग्राम चैनल पर आपको जाना है। जाके दोस्तों को कुछ नहीं करना, इस तरह सर्च करना दोस्तों @शत्रुघ्न225, सर्च करते आपको मेरे चैनल शो हो जाएगा, वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो जल्दी से मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों, यहीं पर आपको मेरी फाइनल टीम मिलने वाला है। और यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हो 1230 यूजर्स मेरे चैनल को ज्वाइन कर चुके हैं। एक और प्रोसेस है दोस्तों, क्रिकेट भी तैसे भी जाकर सर्च करेंगे तो मेरे चैनल से हो जाएगा। तो जल्दी से फटाफट मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं विजन 11 पास टीम दिया था दोस्तों, एकदम 100% विनिंग टीम गया। अगर आपको यहाँ पर इस एप्लीकेशन चाहिए तो मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों, नहीं तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मैं RXA की अभी प्रेडिक्शन देता हूँ दोस्तों, इसमें 100% मेरा विन जाता है और प्रॉफिट भी जाएगा। कल से आपको 11 बजे आपको RXA का प्रेडिक्शन मिलने वाला है, तो टेलीग्राम चैनल के भी ज्वाइन कर लेना। अगर आप RXA का लवर है तो यहाँ पर आपको फाइनल टीम, आपको जो फाइनल प्रेडिक्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा और क्रिकेट का तो 100% मिलने ही वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लेट नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप यहाँ पर स्क्रीन पर देखिएगा, बंगाल के यहाँ पर 2 प्लेयर्स हैं और यहाँ पर मुंबई के 2 प्लेयर्स हैं। तो दोस्तों, इसमें कौन सा प्लेयर बेस्ट है आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। तो दोस्तों, पहले हम देख लेते हैं मुंबई वुमेन्स की। तो मुंबई वुमेन्स में यहाँ पर एक ही विकेट कीपर को यहाँ पर मैं पिक कर रहा हूँ दोस्तों, रिया चौधरी। 12 मैच 11 इनिंग्स में 306 रन बनाए हैं दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर वही बंगाल वुमेन की बात करें दोस्तों, यहाँ पर बंगाल वुमेन में यहाँ पर देख सकते हो पार्ना पॉल है, 24 मैच में 622 रन बनाए हैं। और यहाँ पर ऋचा घोष, यहाँ पर इंडियन टीम T20 के वर्ल्ड कप के लिए भी सेलेक्ट हुई, वहाँ पर अच्छी फॉर्म नहीं दिखाई, लेकिन दोस्तों एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, अब इनको जरूर टीम में लीजिएगा। 13 मैच 11 इनिंग्स में 180 रन बनाए। तो दोस्तों, यहाँ पर स्टैट्स देखा जाए तो यहाँ पर पर्ना पॉल के अच्छे स्टैट्स हैं, तो फिलहाल इनको मैं अपनी टीम में कन्फर्म कर रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर बैट्समैन में यहाँ पर किसको लेना है सबको मैं बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों, पहले हम लोग देख लेते हैं मुंबई वुमेन्स की। तो मुंबई वुमेन्स में यहाँ पर 5 बैट्समैन हैं, अब देख सकते हैं दोस्तों स्क्रीन पे। तो जेमिमा रोड्रिगस एक्सपीरियंस प्लेयर है, 50 मैच 43 इनिंग्स में 1055 रन बनाए। उसके बाद यहाँ पर वलंजियो ने यहाँ पर 15 मैच 12 इनिंग्स में 267 रन है। वैशाली भगत 5 मैच 5 इनिंग्स में 117 रन। सानिया राउत की बात करें, 8 मैच 8 इनिंग्स में 166 रन और 6 इनिंग्स में 2 विकेट ली। और यहाँ पर सानिका चलके की बात करें, 12 मैच 10 इनिंग्स में 250 रन, 7 इनिंग्स 7 विकेट लिए दोस्तों यहाँ पर। तो देखा जाए तो दोस्तों, यहाँ पर मैं एक प्लेयर को फिलहाल मैं कन्फर्म करता हूँ, प्लेयर का नाम है जेमिमा रोड्रिगस। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर जेमिमा रोड्रिगस को पहले हम लोग यहाँ पर कन्फर्म करते हैं। उसके बाद कुछ भी प्लेयर्स हैं उनको भी बताएंगे, लेकिन आगे बंगाल वुमेन्स की प्लेयर्स को भी चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो दारा गुजर एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, 40 मैच 39 इनिंग्स में 1213 रन और 21 इनिंग्स में गेंदबाजी करके 15 विकेट ली। प्रियंका बाला की स्टैट्स खास नहीं है दोस्तों यहाँ पर। प्रतिभा राणा 33 मैच में 23 इनिंग्स में 619 रन और 23 इनिंग्स में गेंदबाजी भी की, 10 विकेट ली। अंकिता चक्रवर्ती की बात करें, 7 मैच 6 इनिंग्स में 106 रन है। और यहाँ पर टीटी दास ने 21 मैच 21 इनिंग्स में 550 रन और इसके साथ यहाँ पर 20 इनिंग्स में 11 विकेट ली। उसके बाद यहाँ पर संचिता विश्वास ने यहाँ पर बात करें, 49 मैच में 48 इनिंग्स में 1207 रन बनाए। तो दोस्तों, यहाँ पर कौन इंपॉर्टेंट पिक होगा आपको मैं बताऊँगा। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं धारा गुजर को कन्फर्म करूँगा, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैं संचिता विश्वास को भी कन्फर्म करूँगा दोस्तों। इसके बाद यहाँ पर 2 और प्लेयर्स है, प्रतिभा राणा टीटी दास, इन दोनों में आप एक को ले सकते हो। तो लेकिन दोस्तों, यहाँ पर फिलहाल हम लोग संचिता विश्वास और धारा गुजर को कन्फर्म करेंगे। धारा गुजर को ले रहे हैं दोस्तों यहाँ पर, संचिता विश्वास को यहाँ पर मैं कन्फर्म करूँगा, सुमित विश्वास है दोस्तों यहाँ पर। देखा जाए तो 3 बैट्समैन हैं, लेकिन यहाँ पर फिलहाल वेट कीजिएगा, तभी ऑलराउंडर्स को देखेंगे। तो दीप्ति शर्मा नो डाउट यहाँ पर खेलेगी, तो 100% कन्फर्म करूँगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर ऑलराउंडर्स में चेक कर दें। मनाली दक्षिणी की बात करें दोस्तों, यहाँ पर 12 मैच 9 इनिंग्स में 127 रन, 12 इनिंग्स में 12 विकेट ली। और सयाली सच्चाग्रह की बात करें, 10 इनिंग्स में 131 रन और 13 इनिंग्स में गेंदबाजी करके 19 विकेट ली। और यहाँ पर सिमरन सेख की बात करें, 31 इनिंग्स में 422 रन और 22 इनिंग्स में 21 विकेट है। उसके बाद यहाँ पर जाह्नवी कटी की बात करें, 5 इनिंग्स में 21 रन और 6 इनिंग्स में 5 विकेट है। सार्वी सेव की बात करें, 3 इनिंग्स में 47 रन, 3 इनिंग्स में 3 विकेट। हरली गाला की बात करें, 4 मैच 4 इनिंग्स में 20 रन है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं
थोड़ा सोच समझ के यहाँ पर मैं टीम बना रहा हूँ। तो यहाँ पर मनाली दक्षिण एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, इनको आप टीम में जरूर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सजाली सच्चा गरे भी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है। तो यहाँ पर सिमरन शेख की रन्स है दोस्तों यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर इस प्लेयर को आप कंफर्म कर सकते हो। मनाली दक्षिणी सच्चा सयाली सदगरी, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सिमरन शेख, इन तीनों में आप यहाँ पर दो ऑलराउंडर को कंफर्म कर सकते हो। तो यहाँ पर मनाली दक्षिणी को यहाँ पर मैं कंफर्म कर रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर सयाली शेख यहाँ पर है, क्योंकि बैटिंग में थोड़ा अच्छा है दोस्तों। यहाँ पर सयाली सिमरन शेख को यहाँ पर मैं कंफर्म कर रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर पूरे तीन ऑलराउंडर को ले लिए दोस्तों। यहाँ पर अब गेंदबाजों को भी फोकस करेंगे। यहाँ पर गेंदबाजों में देखा जाए तो यहाँ पर बंगाल वुमेन्स की यहाँ पर ऑलराउंडर में देखा जाए तो दीप्ति शर्मा को ऑलरेडी हम लोग कन्फर्म कर चुके हैं। यहाँ पर एक्सपीरियंस प्लेयर रुमेली धार ने यहाँ पर 11 इनिंग्स में 131 रन और 17 इनिंग्स में 13 विकेट है। मिथा पॉल यहाँ पर 1086 रन है और 31 इनिंग्स में 35 विकेट है। बृष्टि माझी यहाँ पर 34 इनिंग्स में 885 रन, 22 विकेट है 33 इनिंग्स में। और उसके बाद यहाँ पर सुष्मिता गंगोली 212 रन और 26 इनिंग्स में 31 विकेट है। तो दोस्तों यहाँ पर रुमेली धार, मिठा पाल और यहाँ पर बृष्टि माझी यहाँ पर देखा जाए तो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर नज़र आ रहे हैं। तो रुमेली धार को कंफर्म नहीं करूँगा, कैंसिल करूँगा, लेकिन मिठा पाल को यहाँ पर आप टीम में जरूर लीजिएगा। मिठा पाल की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर मिठा पाल यहाँ पर स्क्रीन पे नज़र आ रही है दोस्तों, इनको आप मैं कंफर्म करूँगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर दक्षिणी यहाँ पर शेख को मैं अवॉइड करूँगा दोस्तों। इसके बाद देखा जाए तो बृष्टि माझी यहाँ पर एक अच्छे स्टैट्स है दोस्तों। यहाँ पर बृष्टि माझी को आप यहाँ पर अपने टीम में ले लीजिएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर चार ऑलराउंडर को ले लिए। उसके बाद यहाँ पर गेंदबाजी में किसको लेना चाहिए आपको स्टैट्स देख के समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर सीमा ठाकुर है, अगर इनकी बात करें 5 इनिंग्स में 3 विकेट है, 2 इनिंग्स में 13 रन। और यहाँ पर प्रचिका नाइक ने यहाँ पर 4 इनिंग्स में 7 विकेट ली। उसके बाद मंजरी गवाड़ी ने यहाँ पर 5 इनिंग्स में 7 विकेट है। निर्मिति रानी की बात करें 11 इनिंग्स में 16 विकेट है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो प्रकाशिका नाइक यहाँ पर, उसके बाद निमृति रानी, इन दोनों में आप एक को कंफर्म कर सकते हो। तो यहाँ पर निमृता रानी को यहाँ पर मैं कंफर्म करूँगा दोस्तों। यहाँ पर चलिए ले लेते हैं टीम में, निमृता रानी को यहाँ पर मैं कंफर्म कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर सीमा ठाकुर है दोस्तों, यहाँ पर उनको भी आप ले सकते हो, लेकिन फिलहाल रुकते हैं बंगाल के प्लेयर्स को भी। यहाँ पर चेक करेंगे दोस्तों यहाँ पर किस प्लेयर को लेना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो सुकन्या परिदा 12 इनिंग्स में 9 विकेट है और थोड़ा बैटिंग भी कर लेती है, 164 रन 8 इनिंग्स में। जूमिया कार्टून की बात करें 29 इनिंग्स में 27 विकेट है। टाइटस साधु यहाँ पर 9 इनिंग्स में 7 विकेट और यहाँ पर गोहेर सुल्ताना 37 इनिंग्स में 29 विकेट और यहाँ पर स्नेहा गुप्ता 25 इनिंग्स में 19 विकेट और यहाँ पर रन्स भी बना ली स्नेहा गुप्ता ने 533 रन। तो यहाँ पर स्नेहा गुप्ता को यहाँ पर मैं जरूर टीम में कंफर्म करूँगा। उसके साथ दोस्तों यहाँ पर स्नेहा ठाकुर को यहाँ पर मैं अपने टीम में ले रहा हूँ। तो दोस्तों मेरा टीम बन गया। कैप्टन वाइस कैप्टन में दोस्तों यहाँ पर दीप्ति शर्मा 100% मेरे कैप्टन रहेगी और यहाँ पर वाइस कैप्टन में यमीमा रोड्रिगीज को ले रहा हूँ। तब से यहाँ पर टीम पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर विकेट कीपर पे पी पॉल है, बैट्समैन में जमीमा रोड्रिगेस, डी गुजर, सुमित विश्वास है और यहाँ पर दक्षिणी दीप्ति शर्मा, मिठा पॉल यहाँ पर सुशांत है दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर ठाकुर, एन रानी, उसके बाद स्नेहा गुप्ता है। तो कैप्टन वाइस कैप्टन में दोस्तों यहाँ पर दीप्ति शर्मा को मैंने कैप्टन बनाया और वाइस कैप्टन में जमीमा रोड्रिगेस को मैंने पिक किया दोस्तों। तो दोस्तों ये कोई मेरा फाइनल टीम नहीं है, अगर इसमें एक भी प्लेयर मिस नहीं होता तो इस टीम को फाइनल कर लीजिएगा। अगर इसमें एक भी प्लेयर मिस होगा दोस्तों तो फाइनल टीम आपको मैं यहाँ पर अपडेट कर दूंगा। तो 11 बजे आप रेडी रहना दोस्तों यहाँ पर आरएक्सी प्रेडिक्शन के लिए। आपको 100% वहाँ पर विन मिलेगा, 100% आपको प्रॉफिट भी रहने वाले हैं। उसके बाद ये जो मैच है 8:30 बजे दोस्तों, आपको यहाँ पर 8:15 बजे आपको फाइनल टीम मिल जाएगा। उसके बाद और कुछ मैचेस बचे हैं दोस्तों, उसका भी फाइनल टीम सब कुछ मैं अपडेट करता रहूँगा। तो दोस्तों यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कॉमेंट और सब्सक्राइब करके जरूर जाना दोस्तों। थैंक यू।